असक नाजरीन स्टैंड पॉइंट प्रोग्राम में आवाज तय मेजबान रऊफ चांडियो नाजरीन वफाक तरफा सिंध के बेटन से कब्जो किया है। सिंध के बिन बेटन डिंगी ए भंडार से सिटी हाउसिंग स्कीम शुरू की वही जैसे सिंध सरकार बे रद्द किया है। वफाक के इन बेटन से कब्जे वे मामले के हवाले से अज अं प्रोग्राम में गाल बोल कदासी। असा गुड मौजूद हैं डॉक्टर हादीब जतोई साहब, पा अगुणा डीजी हेल्थ रहा तजिया निगार सिंध के मुख्तलि इशूज से खेन दस्तरस है। प्रोफेसर इस्माइल कुंबर साहब पा सिविल सोसाइटी अगवान हैं, तीन के वेलकम था क्यों डॉक्टर साहब। सब क्या पे जो बेटन वो मामलो आ इन्हें कि ऐसो रघु साहब हाँ प्रॉब्लम यो जैसे खोड़ी पाकिस्तान खोड़ी सिंध से नासाफियों थन पैरों तो जैसे इंडिया में जे मू आया से उन्होंने सब कंसंट्रेट कर कराची में विहारों या सिंध में आया मैक्सिमम 70% मू इत आया हालांकि जैसे पाकिस्तान थो हर प्रोवेंस के डिस्ट्रीब्यूट कर हर प्रोवेंस में वन हाँ इतने कदर वो एडा इतने कंसंट्रेट थी हाँ वो सुबह की भी पैं गा कह अस सुबह अलग कर कदें भी महाजन मानू के इतने न मिलो आो को धार कर चवंदा बाबा अग में कराची कैपिटल ही ठीक है अग में कराची कैपिटल जो मतलब सिंध ठीक तो को रखा तो तुम वरी अची इतने जो असाजे असा मिल्कतूँ तुम अच्छी कब्जो किया वो मिसाल है तो असानी सुप्रीम कोर्ट भी वो कहर किया बहरिया जहाँ जे पैसा हुआ उ दिनाई सेंटर में इतने पाया हजन हाँ घर मुझो खे पैसा तुम खड़ो या राजभर साहब कुंबर साहब खड़े केदी वी जाति है यो नेचुरल जे नॉर्म्स असाजा उन अगेंस्ट है भाई सिंध की प्रॉपर्टी हुई सिंध की जमीन हुई सिंध जहा पैसा सिंध के मिलने खन सेंटर में छो रखन सुप्रीम कोर्ट छो रखे मुख्य बुधा जैसे सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ को तो बाकी बचो मुख्य बुधा तो असें कें भी कोर्ट में हाँ एतमाद मान जो खत्म तो वे तुम ठो हों तो काफ़ी हाँ जे इंसिडेंसिस जज के सामू मानू पा पलव क्या मानू के मारो जज वेठो तो गोली हणी पे आपूनों के मारो अं मुझो केस आ रोग 47 साल थी विया जो केस हले तो सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट में खटो वरी सिविल कोर्ट में केस कर अं मुख्य बुधा 47 साल जो केस हले तो बाकी यहाँ कड़ी जुडिशरी कड़ो इंसाफ है इतने न को इंसाफ है असाजे बेटन से असा सिंध जो हक है इन पी की बादशाही तो कोने जी उन्होंने अकन असाजा हुक्मरान जे कमजोर उलाए छो था उन्होंने डिजन यो बेट छो तुम सुपर हाईवे से वो सजे खबे हथ से फौजन कब्जो किया अलाए 20,000 अलाए 25,000 एकड़ में जो सिंध में अची अं उनमें नेवी जो वो खोलो अं एयरफोर्स जो वो खोलो अं उन आर्मी जो वो कड़ो असें डिजो असा समुंड में को कह इंदो छा असा एडो राजस्थान में को कह इंदो छा असानी जमीन जका उनके वणे थी पाकिस्तान जो सजो कर्ज जहाँ शाहराह फैसल के खपायो टू थर्ड जमीन जहाँ है 70% वह फौज के हथ में आो नो कमरो ठो पो असाजा जे तलीमी इदारन जो जे हॉस्टलू हुई साल रेंजर्स जो कब्जो है बराड़ी जहाँ छोकरा चाहे रहा हुआ पढ़ा हुआ लूणमंद हाई स्कूल हॉस्टल के मैं उनमें रो आया 58-59 में उत रेंजर्स जो कब्जो है तेजे पॉलिटेक्निक कॉलेज में रेंजर्स जो कब्जो है तेजे जो है उनमें लतीफाबाद में जो तुम स्टेडियम है उत उन कब्जो है कराची में कब्जो बाबा हिंसर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही है अल्लाह जो शुक्र है कंट्रोल थी रही है तो हाँ ये इदारा दियो उन्होंने बाकी जैसे लाया उ नॉर्मल जो हो जो स्कूल हो जो हॉस्टल ठहराई वो कबर में भी तड़पन इन तो को ठहराई अच्छी रेंजर्स में या फोर्सेस में उनके गरीब छोकर बराड़ी वाले जो अफोर्ड न पो कर सके उन्होंने लिए इदारा ठहराया हुआ उन्होंने लिए चाहें तो पेटन से भी जुल्म है हॉस्टल से कब्जा भी जुल्म है और असान जो जमीनू डनी थी वन उसा जुल्म है ए बहरिया की जो जमीन या पैसा उ सिंध गवर्नमेंट के मिलने खबर हाँ कमेटी अड़ू ठाओ जो करप्शन न थे असा सिंध में तबाही की करप्शन है का शे जी सही तरीके से को थी हे को इदारों सही को हले करप्शन चौं तो अस नो पाकिस्तान से ठाकुर ढी करप्शन खत्म थी वी अगे जै इदारे में 10,000 लखन की जरूरत होंगी हाँ उनमें 30 लख वी कम तो थे को कम बिना पैसे के को थे हर कें एलिगेशन्स आन मैं तो सोचा पो कहसाद में ये क्या तो कोर्ट के वही सुप्रीम कोर्ट के मैं वही अपील क्या तो मेहरबानी करें जे जेलन में मूँ पियान उ घट डोहारीन जे बाहर था घुमन उोहारीन कें एक्शन डॉक्टर आसिम 42 अरब रुपया जियाउद्दीन अस्पताल यहाँ सरकारी पैसों से ठही ती जो अस्पताल कराची की आगा खान अस्पताल है इन्हीं के 5 अरब रुपये की जमीन डिनी वही है चीज असर चैरिटेबल अस्पताल टाइंदे खुदा न कर खैर जो मूँ वही दाखिल तो थे उन्हीं 20-25-30 लख का घट को बिल ही को केर तो पुछे उन्होंने का जियाउद्दीन अस्पताल चैरिटेबल ठहल है उनके 4.5 अरब रुपये की जमीन डल है कराची की चीमा गरीब मानों जो इलाज मुफ्त कस मुख्य इलाज मुफ्त कराए तो दिखारो
वेंटिलेटर से जैसे मरीज के रखन था डेढ़ लख रुपया सवा लख रुपया रोज केर तो अफोर्ड कर सके यार चंगो भलो मानू भी जो को बीमार थे तो कौन तो अफोर्ड कर सके कौन तो इलाज करा सके सरकारी स्कूल तबाह कर छूँ अस सरकारी स्कूल में पढ़ल आयो हाँ रुगो प्राइवेट अस्पताल स्कूल जो फ्यूँ ऐसो उनका कोचिंग है वह ऐसो असा को मुकाबलो कर स्कूल जो अस बराड़ी पट्टी से पढ़िया अस बराड़ी चैन कमर के स्कूल में पढ़ाया इतने तुम सिटी स्कूल खुलो पा फलानो स्कूल उन बार से ऐसा ऐसो तुरान बार स्टैंडर्ड को एजुकेशन तबाह क्यों असि हेल्थ तबाह क्यों अस को इदारो को असो इंसाफ तबाह क्यों कोर्ट में अज जज साहब मुझे चवे तो मोट पौना 200 केस हिंसर में कड़ा हाल आया जैसे पौना 200 केस जज वे 47 साल जैसे केस एक मूँ हणंद आखिर वो कदें इंसाफ मिल मूँ पाँ पान से फैसला कन वही इस्माइल साहब क्या ऐसो ये बेट जो भंडार डिंगी वफाक उन्होंने कम भी शुरू करा छो सिंध हुकूमत क्या इन एक्शन न थो सिकोलॉजी डेमोग्राफी जो है उन में नेचुरल रिसोर्सिस वो सिंध जो सब मन वफाक हल्ए पोड़ी ब्लू इकोनॉमी इन्होंने उन्होंने पॉलिसी पेपर प्राइम मिनिस्टर जो सो मन डेवलप किया उन सही भी क्यों अतन उन ब्लू इकोनॉमी के थ्रू जो सो फेटी बंदर का वी हब हब का हेठ गडानी तई या सही इकोनॉमी के रिवाइवल करता चन चाहन था इन बेहतर करूँ इन में जो सो इनकम जनरेट करूँ पर पा सब वेठ साई जी गाल मैं बुझूसी समझा तो साई अकबजन जी शाल करें तो सिंध सा जे अरड़ा तरमीम का रिसोर्स सिंध जन वफाक जन वफाक इल्ज़ाम पी हणे तो पोर्ट कासम अथॉरिटी की जमीन है जो नंगी भंडार वाली तो इन में जे सिंधी जे मकामी मूल माहिगीर जे उन इंडिजिनियस जे राइट्स उ मना उन अक्तल भी थी तक याद हों अरबाब गुलाम नबी के दौर में बकायदे माना उनो उन्होंने का कम करा पे हो तो बाबा डंगी भंडार जो तो बेटन से असा ही कम करता चाहिए पर नतीजो ये तो अस डेवलपमेंट के खिलाफ ना डेवलपमेंट की जो डायनामिक्स के खिलाफ ना डेवलपमेंट थियण खे पर डेवलपमेंट इन सेंस में थियण खे तो बाबा सिंधी मानू के कड़ा राइट मिला साई जो जतोई साहब जो डॉक्टर साहब गाल कई है तो बहरा की जमीन है सिंध के कड़ो फायदो थो है तो डंगी भंडार में सिंध के कड़ो फायदों ए साई यह गाल 100% श्योर से चवान तो केटी बंदर का वी हे पानों जो पट्टी जो इतने हिंसर एयरपोर्ट ठा अन यो सीधो गवार गवादर से टच कंदा यो सजो एकड़ो नव इलाको ब्लू इकोनॉमी के हवाले से इनके डेवलप पाया कन इन में चाहता तो वे इकोनॉमी के डेवलप कर समझा तो सिंध के हवाले से सिंध के मानून जहाँ पैं तफसात असा सभी अगड़ियल तफसात हैं तो ये जे भी ये जे डेवलपमेंट हैं उनमें सिंधी मानू के शहर मिलन खपे तुम दिखो जो डेवलपमेंट जे भी प्रोजेक्ट सिंध में हलिया उनमें सिंध के इन वक्त कोई अड़ो फायदो न मिली सको है तो चवण सो मकसद यो है तो अरड़ी तरमीम का ये रिसोर्सिस सिंध ज सिंध के मानून जो इन हक है गवर्नमेंट जंदरूनी तरह सिंध गवर्नमेंट वही है तब माना यो सुठो मन है जो वफाक करें पे यो सुठो मन है ठीक है। वेलकम बैक नाजरी नाजरी डिंगी ए भंडार बेडन के हवाले से प्रोग्राम में गाल बोल कर डॉक्टर साहब ब्रेक आगे में तो साई इस्माइल साहब तफसील थोड़ी देर डिस्कस कड़ी प्लानिंग थे पी पर सिंध हुकूमत का चवण इस्माइल राउत साहब का चवण तो अस सिंध हुकूमत का का भी मुशावरत वफाक ना कई कमजोरी है जैसे मुश्त वफाक नो करे तो माना में अलिए तो को समझे कुछ ही को राउत साहब तुम ऐसो तो जे भी सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ इदारा हलन था पाया में असा लोकल मू घ कोयलो है थर में निकले तो लोकल मूँ ऐसो घना ओजीडीसी तुम बुझा घा मून रेलवे में असा घा मून स्विगेस में असा घा मून एतो जुलूम आज स्विगेस पर्यों पर्यों अस नंढा हुआ जैसे बलोस्तान में निकती जैसे अकबर बुटी रणी पो करे कोयटा के शहर के स्विगेस को मिली पा उतनी पिशौर में पहुंचाऊँ असा वो कॉलोनी था समझन हाँ असा वो कॉलोनी था समझन जी बंग्लादेश में क्यों तो बाबा के वही असो जनरल साहब उतने लथो चाहिए मुझे जमीन चाहिए मुझे बंगाली नहीं चाहिए ए चवंदा बंगाली ढी डरपोक कौम आ बंगाली उनके बुधा तो डरपोक कौम है असा भी असा भित सा था लगा सिंधन के वो ढो जो उ बंगाल अखियों उनके नजर इंदू हि अस बेजार थी चुका है हाँ हालांकि सोनी झिरकी अस कमाई अस कराची कमाए तो पो कराची से खर्च कर तैयार को बन पास इनका लाहौर में खर्च क्यों बे पास खर्च क्यों कराची असो बेहतरीन शहर हों हर कें खबर आ प्रेसिडेंट जो अमेरिका जो आयो त
तो कराची उनके घुमायों बो कोई शहर को घुमायों सही जिथे उठ वारे के भी वी जो जॉनसन वी उठवारे के अमेरिका में तो असा के सेंटर का काबू में तो कान्ह असा पॉलिटिशन्स जो पा में विढ़ा पाया या पैसे के पोए लगा पाया कौम के बारे में कोई को सोचे मुल्क के बारे में कोई को सोचे सिंध के बारे में कोई को मुख्य हिंसर मुझे न्याणो वो पो बहालपुर वो चे तो अस गाड़ी जी सखर का निकता से हाईवे से क्रूज में गाड़ी विझी छी 120-150 किलोमीटर असा वे जेस ती बहालपुर पता से एडो रस्तो बेहतरीन हो अस सिंध में एक रस्तो तो बुधा वो जो बेहतरीन हो शहर जो रस्तो तो बुधा वो बेहतरीन होट इंजन है तो पैसों को अस मू के पेट भी इतने सिंध में बन एमासा तो टुंग भी बस अलास एको दिनों पर बठाए छजाया हाँ तो खाए जो थोड़ो थोड़ो हेटो कटे तो सही ते असो को भी वाली वारिस को रब पाक असा मदद करे समझा जेस तीन इतने इनकलाब नहीं पाने मुआजर दोस्त के चंद गजी सिंध के लिए कुछ कर जैसे सिंध लाइ न कह तो तुम्हारा प्यार हल्द अस प्यार हल्दा तेजे कर यूनाइट थो इन प्राउंस के लिए यूनाइट थो पो प्राउंस स्ट्रांग कियो पाकिस्तान स्ट्रांग वजीर आला के दफा नैब में घुरा तो ऐसी तो बेजे अंदर कर छींदस कें कें कूड़े केस में कर हे तो हालत ऐसो पंजाब में जो छोकरी असाई माई से रेप थो जुलम थे में वजीर आला भी वेठो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई जी भी वेठो सब उत वेठा ए बुधान था हि कल्प्रिट है वही बई जी थाने दफा असा को छो था इन हाई लेवल से तक टने बॉल जो केस याद हों जैसे मारिया हूं मूँ तो जीओसी साहब के तो बदली चयों बिन के कहूँ कूड़ी रिपोर्ट दिन तो असा इन बॉर्डर से इंडिया जो बॉर्डर पे क्रॉस कर असा उनके उत पकड़े मारे झलो डोह कदें भी को रुक जो जालिम हों उन जरूर जो अल्लाह रब के पासों फैसलो रब की कोर्ट के कोई को सके आखिर जैं जुलम उनके सजा मिली तुम सभी दिखो पर माई जिंदो जो घर तबाह थो माई जिंदो जो न्याणी तबाह थो पुट तबाह थ पर रब उन इंसाफ कर जो पछाड़ी में उनके सजा मिली अस कौम से जुलम पो तो थे असा तो मिले मां तक कमाए दें 80 रुपया तुम मुझे 2 रुपया जैसे वापस कर दो बुधा जुलम ना असा प्राण से इे पो थे सही अच्छा तक सिंध हुकूमत को पुछन ना साई पुछा कई तो मुशावरत वही खुद सिंध हुकूमत असा गड्डू सिंधन से सी एम साहब प्लस जहाँ याद हों कुछ अग में इस्लामाबाद पौता हुआ उत उतें कमेटी जगह फ्रेम थी इतने वही जिक्र तक कड़ी खबर में भी हो कराची जो ही जिक्र हो पर बेट भी कराची सिंध जो हिस्सों है तो बेट भी सिंध जो हिस्सों हैं तुम समझा तो सिंधी मान के लॉलीपॉप एक दिखण चक्कर में वफाक से वहीं मन बीठा तुम समझा तो इन वक्त में सिंध की तुम ऐसा पोजिशन कड़ी लगी पी है 25 लाख मानू इंटरव्यू तो क्या मुख्य बुधा तो प्रेसिडेंट तो मुल्क प्रेसिडेंट थी ना हिंसर कराची आयो उते जो मीटिंग हुई कॉल कई प्रेसिडेंट उनमें सब जे पार्टी या मूँ मन के रियाज हु अकील डेडी सीड़पकार कई सही सिंध में को रेवेन्यू ऑफिसर घुरा न को पॉलिटिशन घुरा हुआ पा में नानी गोड़ो वही जो हाँ यो अस अखियो को खुलन असो पो थे अस पॉलिटिशियन के अला जबान को इनके असेंबली में खड़ी अच्छे हे प्रेसिडेंट जो नायल हे प्रेसिडेंट पार्टी थी पो हे प्रेसिडेंट एक पार्टी जो प्रेसिडेंट है हे पाकिस्तान जो प्रेसिडेंट ना सिंध जो प्रेसिडेंट ना जैसे बाकायदे सिंध असेंबली में बाकायदे इन रेजोल्यूशन पास करें खे तो हे जो पार्टी थी हाँ कें खुद ही को अचे चवण जो सो मकसद यो है माना सिंध में इन वक्त जो पॉइंट थारी तो माना सदर की सदारत में इजलास है को भी सिंध जो नुमाइंद शामिल ना है यह तो गलत गाल है यही मसलो है हुनर के करो बिलियो इकोनॉमी के फोकस कर वफाक डायरेक्टली इंटरफेक्ट सिंध में करो चाहे उनका मेन रीजन यो है तो माना हो पर साई वाली जगह गाल 100% सही है तो बाबा जैसे सूबाई हुकूमत है वह तो ऐसे पे तो वो सिर्फ करण से वेठो है वो आवाम जो मुल्क जो तो सदर आ ही को तो जो पार्टी जो सदर थे वेठो है तो चवण सो मकसद है तो प्रेसिडेंट के ये नगरण खुद सिंध गवर्नमेंट को नोटिस वे मूँ बाकायदे उनमें कोर्ट में वन खे तो बाबा हे है अली शाह साहब चाहे हक घुरा कावड़ की वन था मुराद अली शाह साहब बाकायदे सिंध थी बीहंदी जो हक भरे सिंध के लिए हर मू मुराद अली शाह साहब बीहंदो हे तो प्राउंस जो है तो मुराद अली शाह जो या कें बे जो कम तो को सूबे जो कम है हे तो असि जमीन जो है असरती माँ जो कम है सिंध असो कोई कोई कह
पाकिस्तान आयरलैंड अथॉरिटी ठहन था उन्हें कानूनी मसूदो वजारत के मोकलो अथ कानून वजारत के पर कुछ कानूनी मायर उन्हें आयरलैंड अथॉरिटी पाकिस्तान आयरलैंड करार दियन था अड़ी तरीमों का उन्होंने को हक को जमीन इस्तेमाल कर अस मर्जी का सवा उत कम कर सन या तो चवन आइन है ही को आइन इनहराफी था कन ही जे आइन जो खिलाफ इन आर्टिकल 6 के तहत केस दाखिल थे बाकी अड़ी तरीमें छी तेरे सूबे के ऑटोनोमस किया तो उनकी जो मिल्कत उन्हीं की तुम कंसेंट वी तवे पार्टनर समझी जो सूबे के बेहतरी में समझ तो पार्टनरशिप कौ जुगो मतलब रियाज खो जकील डेडी खो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वेही खड़ा तो सिंध जो मूँ उन्हें तो हा न कह सही ठीक है ब्रेक जो टाइम थो वेलकम बैक नाज़रीन अच्छा इस्माइल कुमार साहब एक तरफ यो वफाक जो रवैयो तो सिंध की प्रॉपर्टीज से मिल्कियतों से अड़ी तरह बावजूद भी कब्जा करें बे तरफ सिंध की नाल करप्ट तरीन हुकूमत जो सिंधन के पंजो करने तैयार ना है तो सिंध मूँ केदा वाले एक्चुअल पहुँ इन सवाल जो तवाब दिया तो पे सवाल जो तक पाकिस्तान आयरलैंड के हवा से अथॉरिटी जैसे त सिंध में हूँ सिंध कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बिल पास थल है वो सिंध कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी कम करे पी जो सजो इन कोस्ट से फोकस करे पी कराची का वी मतलब बदीन ती साढ़ा 300 किलोमीटर जो सो माना वो कोस्ट है बलोचिस्तान जी अलग है बलोच हाँ ही चाहन था बलोचिस्तान सिंध जो कोस्टल है 100 समथिंग किलोमीटर 150 किलोमीटर है उन सजे कोस्ट से कब्जो करता चाहन इन कर ही उनमें जे आयरलैंड उन्हें फोकस करना चाहन और समझा तो सिंध से पैं केस बिड़न खे बो जो तुम क्वेश्चन कर नाहली यारों तुम समझो सिंध जो मू खी छाप थे पीपल्स पार्टी के वोट दिनों है बी का अल्टरनेट का पार्टी को सिंध जो मू मजामत कह रो भले हुकूमत पी जगह से सिंधी मानू सा न गड़े पर सिंधी मूँ इन मजामत कहो पैं गाल और रिपीटेशन नो कर चाहें अरबाब रहीम के दौर में भी जो सिंधी मूँ बाकी मजामत हाँ समझा तो सिंधी मूँ इन खामोश नो सिंधी मूँ मजामत कहो वो हुकूमतू भले नमूने कड़े नमूने जो सो नमूने कोलाबोरेशन कन कन पर सिंधी मूँ इन बाकी मदद मूँ केतो डॉक्टर साहब मजामत कह मूँ तो चाहता भलो मूँ डॉक्टर हादी जो वोट नो जो बो मू शरीफ मूँ ईमानदार मूँ उनके वोट मिले नो मूँ तो उन करप्ट जो कतार में दरबार सही था चो मैं तक गाल बुधा तो उन्होंने गाल विसरी वह टीआरसी की जो मूवमेंट हली वह भी सिंध वालों जो जालिम हुए जाल उन्हें दादू में गढ़ हंधे देखारा हूँ हि विसरी विसारे न छन सिंधी उन माँ जो गैरतमंद सिंधी न वो तो समझा तो आखिर मरद तो इन कबर में वो नी माँ जो पैदा किया बी माँ कबर है असर आखिर कबर में वो जैसे एडा बेगैर थी जी सिंध के लिए कुछ न कह इन बी का गाल कान्ने उन्हें भी यो सोच खे तो सिंधन इनके टीआरसी में जे जी अखियं दिखारूँ वरी भी सागा ही सिंधी उन्होंने औलाद आ उन्हों खून आ पलण में अस सिंध की जो दिमक खाधो है सिंध में रहूँ था सिंध जो खाऊँ था सिंध जहाँ असा जो आयोजन जावा जड़ी का सिंध से टाइम आया तो मैं सोचा को भी बचो निकली न पवो बार सिंध जो खड़ी गवर्नमेंट जो कौड़ो कड़ो भी पास हो पर जैसे सिंधन के खबर पी थे असा हाँ वसीला खत्म था थन अगे भी खत्म थी चुका है तुम मुख्य बुधा तो असाजा कराची में कड़ी कड़ी कौमू वेठन पैरों अस मेजॉरिटी में हुआस हिंसा कड़ी कड़ी कौमू आई बारह मुल्क जहाँ पठान वेठा बया वेठा ये असाजा मुहाजर भारत अला सोचन हि तो माइनॉरिटी में थी सुे पठान लठ्यू खड़न तो इन्हें डोड़ा कटा बाहर हि तो डिवाइड एंड रूल वालों अंग्रेज जो कम कह तीन पे तो असा थे ए असो जी एजेंसीज हैं अस मुल्क के तबाह कर दूँ ईस्ट पाकिस्तान के अलग क्यों उन्हें हिंसर असाजा जे नौजवान छोकरा जे गुम था पा कन अगे बलूचिस्तान में जे मू गुम कदा हाँ सिंध में भी सागो कम कर ईदी की इंटरव्यू हुई मूँ की असो शहर खामोशा ठाया कोयटा के बहरों जे अन आइडेंटिफाइड बॉडीज जिन मुंह में गोलू लगन जे सुणे ना सकूँ
उते साईं एतरा माण्हू दफ़न कया आहिनि जो कोटिया जे शहर जी पापुलेशन एतिरी कोन्हे जेके उहे जेके उन शहर ख़ामोशा में जेका माण्हू दफ़न आहिनि। जेकॾहिं इहो सिस्टम कंदा त पोइ ठीकु आहे। अच्छा, पीटीआई जी सरकार जी छो प्रायोरिटी सिंध न आहे? मिसाल तौर ममता जे भुट्टो साहिब खां वठी लियाकत जतोई साहिब ताईं ॿिया काफ़ी वॾा आम कदावर शख़्सियतूं बि माना पीटीआई में वियूं, उन्हनि जो बि पोइ उते क़दुरु न आहे? माना पंहिंजे पहिरीं मीटिंग में चयो हो पंहिंजे इमरान साहब त मुंहिंजी माउ महाजरा मां महाजरनि सां बेमानी न कंदुसि। जेके हुनजा अखर आहिनि जेके पीटीआई जी मीटिंग में चया आहिनि। पर महाजर त को ख़राब माण्हू कोन्हे, पर प्रायोरिटी हुनजी आहे त हुनखे ख़बर आहे त सिंधी हुननि खे वोट न ॾींदो। माण्हुनि खे मिलिया आहिनि, पीटीआई खे कोन मिलिया आहिनि। जेकॾहिं रऊस जी जेकॾहिं पंहिंजे शहर में पंहिंजे इलाइक़े में इज़त आहे, जेकॾहिं तूं पीटीआई जॉइन करे त बि तोखे इहे वोट मिलंदा, नून जॉइन कंदे त बि तोखे इहे वोट मिलंदा। उहे माण्हुनि पर्सनल पंहिंजे ते खया आहिनि। उहो पीटीआई जे करे वोट माण्हू खे न पियो आहे, उहो कहिड़ी बि पार्टी में वेंदो हुनखे एतिरो वोट मिलंदो। ऐं हुननि जी प्रायोरिटी आहे पंजाब हर कंहिंजी, छाजे लाइ गवर्नमेंट ठाही सेंटर में पंजाब थो। जॾहिं पीपुल्स पार्टी मेजोरिटी हुई त पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट ठाही पंजाब में, जॾहिं पीटीआई खे मेजोरिटी मिली त कोन सिलेक्टेड थी, असांजे साम्हूं कूड़ा वोट पिया आहिनि, असां पंहिंजो पाण एजेंट वेठासीं हुते सिलेक्टेड थिया आहिनि। कराचीअ में 4,000 वोट एम एन एम पी ए थियो आहे, असां वटि 97,000 वोट लियाकत साहब खया आहिनि, 97,000 वोट। 34,000 अली पल खया, 36,000 उहो कोन थियो लियाकत साहब, 55,000 वोट ते हिते असांजी नेशनल असेंबली जी सीट निकिरंदी। हुन लख हिकु करोड़ 10 लख वोट खया हुन। हाणे उहो माण्हू जेको आहे जेको हुते जंहिंखे केरु सुञाणींदो ई कोन हो, हारायां थो सभु चवनि पिया, पीपुल्स पार्टी चवनि पिया हारायूं था, उहो कॾहिं निकितो ई कोन हो, ॻाल्हाइण ई कोन थो चए। उहो माण्हू लियाकत साहब खां कटे त इहो त ज़ुल्म सां तव्हां जेको कयो आहे ख़िलाई मखलूक कयो आहे न, सिलेक्टेड त चवनिसि था, वाक़ई सिलेक्टेड आहे, भला अकुल अथसि छा? हाणे भंग बि तव्हां पोखियो, ॾाढा कूटा नंढा कूटा खणी वञो, कंदो अॻे वीचारे हिकिड़े कंहिं में छा खे बदनाम कंदासीं, हाणे सॼी आवाम भंग थी वेंदी। भंग जो फ़ाइदो बि तव्हां हा तमामु घणो फ़ाइदो आहे, फवाद खे खपे, फवाद खे खपे। त पोइ हाणे इहो माना मक़सदु त ओतिरो उनजी प्रायोरिटी न आहे, जीअं साईं खां मां सवाल कयो, सिंधु हुकूमत बि सिंधी माण्हू खे पंहिंजो करण लाइ तयारु कोन्हे का, गवर्नेंस खे सुधारण लाइ तयारु न आहे, करप्शन खे ख़तमु करण लाइ तयारु न आहे, त पोइ माण्हू आम माण्हू कहिड़ो रस्तो अख़्तियार करे मुतबादल बि हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां। जॾहिं धरतीअ ते नाइंसाफ़ी थींदी आहे तॾहिं कुदरत पंहिंजो सिस्टम हलाईंदी आहे। कॾहिं असांजी फ़ौज इहो कोन सोचियो 90,000 फ़ौज असांजी पेज़ना वार थींदी, बंगाली आज़ादु थींदा। हीअ असांजे मुल्क खे टोड़ण जी कोशिशि पिया कनि, हक़ीक़त इहा अथव। ऐं बुज़ुर्ग चई आहिनि त मुल्क हीउ टुटंदो, अलाह न करे, असां हिन मुल्क में इज़त सां वेठा आहियूं, असां हिन मुल्क में इज़त सां वेठा आहियूं, पर असांखे उहा इज़त नथी मिले, असांखे पाकिस्तान में थो सम्झो, असांखे सिंधी था सम्झनि। सिंध पाकिस्तान जो हिसो आहे, सिंध पाकिस्तान जी क़रारदाद पास कई, जॾहिं बि जेको इन नारे जो फ़ाइदो त पीपल्स पार्टी खे थो पए, जॾहिं बि तव्हां जज़्बाती कमु कयो था सिंध धरती हेॾां होॾां, त उहो फ़ाइदो वरी पीपल्स पार्टी न, पीपल्स पार्टी जो प्रॉब्लम हिकिड़ो ॿियो आहे। पीपल्स पार्टी माण्हुनि खे आज़ादु छॾियो आहे त खाओ पीओ, हिकिड़ा खाई पेट भरे छॾियऊं, हिकिड़ा खाइनि था वेठा या इंतज़ार में आहिनि, सम्झो कान। हाणे जॾहिं कंहिं माण्हूअ खे लालच ॾींदो, नौकर खे बि लालच ॾियो था, पघार ॾियो था, तॾहिं कमु करे थो न। हुते बि इहो हिकिड़ो सिस्टम आहे त हिकिड़ा माण्हू खाई पेट भरे वेठा आहिनि, पुराणा जेके माण्हू हुया ॿिया अञा खाइण खे लॻा पिया आहिनि, चया जेके आहिनि इंतज़ार में वेठा आहिनि त मुंहिंजो कॾहिं वारो ईंदो। जेके तव्हां अॼुकल्ह माण्हू जेके अशराफ हीअं सम्झो था, जेके मेंबर वेठा आहिनि, कंहिंजी कंहिंखे ख़बर कान्हे। चवणी आहे बुज़ुर्गनि जी त 14 सदीअ खां पोइ कलर ऐं कंजर जो वारो थींदो, कलराठूं जेके ज़मीनूं हुयूं उहे आबाद थियूं, ऐं जेके ख़ानदानी माण्हू कोन हुया उहे मथे अची विया, उन्हनि खे पोचे करे छॾियऊं। ऐं इहा हिकिड़ी अयूब ख़ान जे ज़माने खां वठी हिकिड़ी आहे मूव हली, त जेके बि ख़ानदानी माण्हू आहिनि जेको बी डी सिस्टम कयो आहे जेको, त उन्हनि खे पोचे कयो। पोइ छा थियो, जेके चङा भला माण्हू बराड़ी में रहंदा हुआ, जॾहिं ॾिठऊं असांजी इज़त कोन्हे, उन्हनि पोइ लॾ पलाण कई शहर में, छो त जेकॾहिं कंहिं चोर खे ॿधराईंदा हुया त पोइ शाम जो चोर हुनजे उतागे यारो जी लंघंदो हो, पोइ कंहिंजे चवण ते छुटंदो हो, कंहिंजे पैसे ते छुटंदो हो, पोइ हुन ॾिठो त मुंहिंजी हाणे इज़त कोन्हे, हिते पोइ उहे मूं थिया लॉनेसनेस जॾहिं सिंध में, तॾहिं अॼु बि छा आहे त वॾेरनि खे गारियूं था ॾियनि, कंहिं चौधरीअ खे गार ॾिनी आहे, कंहिं सरदार खे गार ॾिनी आहे, कंहिं मलक खे गार ॾिनी आहे। अड़े बाबा, वॾेरो त असांजी सकाफ़त आहे। ऐं अॼु बि जेकॾहिं रऊफ़ साहब जेके फ़ैसिला थियनि था ईमानदारी सां न, त माण्हुनि खे सालनि वारे माण्हुनि खे हिकिड़नि ॾींहंनि में रिलीफ़ मिली थो वञे,
सरदारी फैसलो थे तो जो कौम में अची वेहन थी तुम पंद्रह पंद्रह खून जहाँ फैसला भी बिन्हीं डी में अची था वन कोर्टन में रुंदा रहो सारी जिंदगी तुतियों अची वन फैसलो को मिल उते न पैसों तो खर्च अचे न वकील की जरूरत है न कें बे शे की जरूरत है हर को ईमानदारी से कसम खड़ी चे तो हाँ मूँ एडो उनके उन्हीं सजा थी मिले सही ठीक है तमाम घनी मेहरबानी नाजिन जै डॉक्टर हादी व जतोई साहब चो तो भले वफाक जातियों करें असा करप्ट हुक्मरान खामोश अख्तियार कन या समझो तो कन या भले मानून में शऊर ना अचे पर अला आडो देर आए पर अंधेर ना है नेठ तो मानू मजलूम तबके जो आवाज़ उठो सिंध के मथा जो सूर हैं उ खत्म थन्दा पर मेज़बान रऊफ चांडियो के इजाज़त।